अब तो ऐसा सर बोल रहे हो, पूछ रहा हूँ, पूरा जायदाद लिख के दे दो। बात है नवाब साहब, प्लेट का कमाल ये, इसका अंदाजे पर कोई कुछ नहीं। हाँ सर, सर यहाँ पे, सर 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 यहाँ देखिए, अली भाई आ रहे हो, मुश्ताक भाई आ रहे हैं, फिर एक साथ आप हो जाए तो हो गया ना सबका। आप रिलैक्स हो जाइए, कईयों के सामने मैं जवान हूँ, परिवार है मेरा सारा, चाय वगैरह कुछ दीजिए आपको। क्या नाम बेटा तेरा? ममता जी, मस्त है देखो। दिनेश बाहर का सोलो मार लो, हाँ मार लिया, बाद में ले ले। भाई एक गिफ्ट लेना, बहुत हार्ड है, हाँ वो लग रहा है आपको तो, क्या आप बोलो चलो गुरु जी के राइट राइट हो ना सर, आप मेरे राइट में थोड़ा सो मेरे को तो बाहर निकाल दिया। क्या ही करता चाय पानी 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 आईना का क्या ना, उस आईने में तुझे किसी और ने देखा था, उस आईने को तोड़ देंगे कलम को, नहीं कलम को तोड़ेंगे तो कुछ खड़ा कर बेटा। अब जब आपने मुझे बोला है ना तो सजेशन देना, मेरा बहुत थॉट अच्छा है, आना पड़ेगा कि भैया इंटरव्यू तो देते नहीं करने लगता है, लोग हो जाए आपका ना महाराज, कोई मेरे से छोटे मोटे से कराएगा ना, हम जो भी स्टार है आपने प्यार से क्या पिक्चर बहुत अच्छा किया फिल्म का, क्या तेरे को वापिस आ जाए।
कैसे हैं आप सर? नमस्कार, बहुत दिनों के बाद। ठीक है? हाँ सर, एकदम। वाह वाह वाह, मैंने आपको देखा, आप दिखे, मैंने आपको दिखे। नहीं नहीं, मैं यहाँ से यहाँ गया, फिर इधर नहीं गया। ठीक है, हाँ एकदम। वाह, अरे तो लड़कियां कोई दूसरी पटने वाली को नहीं पटेगी ना भाई। अच्छा, माँ बहन वाली चाहिए शायद टूटने के बाद में। ये नजदीक वाली बात, ये क्या कोई कॉलेज वाली लड़की आई मिला ने भाड़ जो मारो? अरे नहीं गया, मारो भी भाड़ जो ही हो। तू जो देगा ले लूँगा, बस तेरे लिए बेटा। क्या बात कर रहे हैं, स्टूडियो भी कर लूँगा। फुर्सत में कभी आ जाना ना, उसमें टाइम मेरे को कोई वेंचर को पड़ोस से थोड़ी जानी, दोनों तो बाजे में चला। ट्रैक तो हम लोग आ ही देते हैं। बैठ जाए क्या अंदर? चाय किधर है? चाय उधर है आपका, हो गया लगता बाबा वो बन गया। राजस्थान में जाएगा।
डायरेक्टर हैं और पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो उन्हीं ने बनाया, तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत हो जाए। छोड़ देना। वेल, अब तारीफें तो जितनी की जाएगी उतनी कम है, क्योंकि आपने जितने अच्छे से इसे फिल्माया है और हम सभी लोगों को देखने लायक बना दिया है। बड़ा ही मजा आ रहा था वहां पे बैठा हुआ, एक्चुअली मैं खुद भी देख रहा था, तो मैं बस ये मन कर रहा था कि ये खत्म ना हो जाए, तो इसके बारे में कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। बेसिकली हम लोग सासों जब हॉलीडे पे मुंबई आए हुए थे, तो हमने प्लान करा, सडनली सासों ने बोला कि भैया एक गाना हम लोगों को शूट करना है, तो बहुत सडनली वन डे में हमने पूरा शूट किया, नेक्स्ट एडिट किया, और ये सारा चीज़ वन डे की क्रिएट है, और प्लानिंग बना के नाइट में पूरा नेक्स्ट डे हम लोग शूट पे किए। सुबह 4 बजे भोर में निकले, 6 बजे तक लोकेशन में पहुँचे और पूरे दिन शूट किए, फिर शाम को रिटर्निंग, वन डे का शूट है। वेल, मतलब इसे कहते हैं रातों रात स्टार बनाने वाली मेहनत। वेल, इसके अलावा अभी मैं आगे फिर से हमारी टीम को और यहाँ पर ज्वाइन करना चाहूँगा, हमारे जो इस गाने के प्रोड्यूसर हैं मिस्टर प्रबीर सिन्हा, जो कि आज हमारे बीच में नहीं आ पाए हैं, किसी और कारण वो कहीं और व्यस्त थे, और हमारे जो सेकंड इस गाने के प्रोड्यूसर हैं शिवानंद सिन्हा जी, मैं बुलाना चाहूँगा उन्हें, आप सभी से रूबरू कराना चाहूँगा। आप कुछ बात करना चाहेंगे सर? पहले तो मैं आप सबों का धन्यवाद दूंगा, आप सब इतने कीमती समय निकाल कर यहाँ आए, और इस बच्चे को प्रोत्साहन करने के लिए आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, तालियां बजाई, ये एक बाप के दिल में जो खुशी होती है वो आज खुशी में महसूस कर रहा हूँ। ये बचपन से 3 साल से ही हारमोनियम पकड़ करके इसने सारे धुन निकालना शुरू किया था, तब से लगा कि शायद ये कुछ हुनरमंद हो सकता है। 15 साल के उम्र में इसने कहा कि मुझे प्रीतम दा से मिलना है, और प्रीतम दा से मिलना है, मैं मुंबई लेके आया कि भाई प्रीतम दा तो कोई छोटे कलाकार है नहीं, कोई म्यूजिक डायरेक्टर छोटे है नहीं, प्रीतम दा से कैसे मिलोगे आप, कुछ तो लोगों ने यहाँ पे इनको सलाह दिया, पहले आप कुछ करो। तो इसने 10 दिन में मेरे प्रोड्यूसर हमारे प्रवीर सिन्हा जो मेरे छोटे भाई हैं, तो ये चाचा भतीजा ने 6-7 दिनों में इन्होंने 6 गाने लिख डाले,
और सारे गाने बहुत अच्छे लिखे और काफ़ी अच्छा इनका ट्रीटमेंट रहा। फिर धीरे धीरे चूँकि इनकी पढ़ाई और हमारे पिताजी का भी आदेश कि बच्चा को धोनी मत बनाना, तेंदुलकर मत बनाना, वो क्लास 10 पास करा देना। तो अभी ये 10th काफ़ी अच्छा इनका रिजल्ट हुआ। फिर इन्होंने DPS बोकारो में, जो काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूशन है, 12th पास किया 83% से इसी साल। और अब मैं चाहूँगा कि ये अपने कैरियर को जिस फील्ड में ले जाना चाहे ले जाए और प्रीतम दा के हस्ती तक मुकाम हासिल करे, उनसे भी आगे जाए, ये मेरा आशीर्वाद है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेल, जिस तरह से हमारे जीवन में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, उसी तरह से एक अनोखा रिश्ता होता है जिसे कहते हैं हम गुरु, जिससे हमें किसी भी काम की प्रेरणा मिलती है। तो हर एक काम की प्रेरणा कहीं ना कहीं से स्टार्ट होती है, तो जहाँ से प्रेरणा स्टार्ट हुई थी मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा। हमारे बीच में बैठे हुए हैं मिस्टर जय प्रकाश त्रिपाठी जी और ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी, एक बार प्लीज़ आप लोग भी आएँ। सबसे पहले जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ऑल ऑफ माय ब्लेसिंग। शाश्वत ऐसे समझिए कि मेरा छोटा भाई, पिछले साल जब मैं मुंबई आया तो मेरे बड़े भैया शिवानंद सिन्हा जी मुंबई आए, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि ज्ञान जी ऐसे ऐसे एक गाना को हम लोगों को शुरुआत करना है। उनके साथ मेरे बड़े भैया उपेंद्र चतुर्वेदी जी, उनका भी आशीर्वाद हम लोगों को पूरा मिला और हम लोग मेरे शिष्य नितेश जी, इनके माध्यम से ये सारी सफलता मिली और शाश्वत को बहुत बहुत आशीर्वाद। मुझसे जुदा ना छोड़ेंगे कभी, साथ तेरा दरिया इन आँखों का, दरिया इन आँसुओं का बहता कहाँ, आज पलकों में आके तू समा जा। पड़ी के शशांक का क्या पूरा नाम? शाश्वत पटी, इनको बहुत बधाई दूंगा क्योंकि बहुत कम एज में 18 इयर्स में इन्होंने कदम रखा इस इंडस्ट्री में। और सिन्हा साहब को और जितने भी नारायण साहब डायरेक्टर जो है सबको, हम सब तो अब आशीर्वाद देने के लिए रह गए। हमारे विक्रम साहब जिनकी फिल्म मैंने 14 बार अपने शहर बिहार गया में देखी थी जूली, तो मैं देख के आपको ग्रेजुएशन करके फिर वकालत की अधूरी पढ़ाई छोड़ के भाग के मुंबई आ गया। दिलीप सिंह जी, हमारे जितने भी लोग हैं, मुश्ताक भाई, सब लोग, हम सब लोग हमेशा जब भी सिंह भाई का फ़ोन आया कि ऐसे म्यूज़िक लॉन्चिंग है और इसमें आप सबको आना है, हम लोग हाजिर हो गए। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम बच्चे ने किया है। विश ऑल द बेस्ट, बहुत उम्मीद है तुमसे, तुम्हारे पूरे इंटायर फैमिली को, इंडस्ट्री को। एक नया हीरो, एक नया स्टार जो है हमारी इंडस्ट्री में आया, मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज सर, सबसे पहली बात यह कि मैं लोगों के लिए अच्छा सोचता हूँ, लोगों की दुआएं लेता हूँ और पांचों वक्त की नमाजी हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, हमारे बीच में आए हुए हैं, आइए प्रोफेसर साहब, आप आइए। अच्छा, आप आइए सर, आइए। मैं जब मैं इनसे अभी मेरे बगल में खड़े थे तो आप यकीन मानिएगा, क्योंकि मैं भी छोटा सा संगीतकार हूँ, मैंने भी कुछ छोटी मोटी फिल्में की, मुझे लगा इस बच्चे में कुछ स्पार्क है। क्या बात है। और मैं इनके वालिद साहब से यानी एक बात कहना चाहूँगा, पढ़ाई लिखाई आई लव यू बोलना आता है ना। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई पढ़ाई है तो वो है संगीत, जो किसी को नहीं मिलता, पढ़ने से भी नहीं मिलता है, ना सीखने से मिलता है। वो इनको ईश्वर की देन है, सरस्वती माँ की कृपा है इन पे। मैं अपना परिचय देता हूँ, मैं पूरा वर्ल्ड घूमता हूँ, मगर अब तक सिर्फ हेलो हाय करते, यस नो में इतने में ही करता हूँ। अंग्रेजी मुझे नहीं आती, तीसरी क्लास फेल हूँ। यहाँ पढ़ाई मेरी काम की नहीं, मगर हाँ आपके लिए आजकल ज़रूरी है क्योंकि इंटरनेट है। मैं फ़ोन तो ले लिया मगर उसको अपलोड करना नहीं आता, पढ़िए ज़रूर। मगर हाँ, इनके लिए एक बात कहूँगा कि कंपोजिशन जितनी अच्छी है उतनी अच्छी राइटिंग थी इनकी, गाया भी अच्छा, परफेक्ट तो नहीं कह सकता, अच्छा,
वो सीखना पड़ेगा इनको, गाने के लिए इनको एक गुरु दीजिए। बाकी थॉट इनके पास है, वो आमद इनके अंदर है, मगर एक गले की जो तासीर है ना, क्योंकि ये आप ये तो नहीं कि खुद ही कंपोज करोगे खुद ही गाओगे, कभी हमारे पास भी तो आओगे ना भाई। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी हम भी चाहें कि इनको गवाएं, क्या बात है ना। तो उसके लिए थोड़ा संगीत सीखे। भले फोटो कहाँ है यार, कैमरे चल रहे हैं सर, रेडी सर, हाँ तो ले ले तो उनकी खींचे, मैं सोचा मेरी खींचने आए। तो गाना जरूर सीखिए, और यकीन मानिए मेरी जिंदगी में, मतलब मैं 62 का हो गया हूँ, लगता नहीं हूँ मगर कोई बात नहीं। मैंने इतना होनहार इतना टैलेंटेड बच्चा कभी नहीं देखा, जिसने खुद ही लिखा खुद ही गाया खुद ही कंपोज किया, तो बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूँगा जोरदार तालियां बजाएं यार। जैसे जैसे वक्त बीता जा रहा है, जैसे जैसे साल बीते जा रहे हैं, पहली बात तो मैं सबसे पहले स्वागत करूँगा कि हमारे जितने भी कलाकार हैं एक्टर्स हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, और आई एम वेरी प्राउड दैट की वी आर ऑल टुगेदर एंड सीइंग अ न्यू टैलेंट हियर। ऐसे साहब जो हैं हमारे, बहुत ही इनको देख के तो ऐसा लगता है कि भाई फिर से आदमी को एक गाने वाने का जोश भी आ जाता है। मैं अभी अभी हम जब इंस्टीट्यूट में थे FTII पुणे में, वहाँ हमने एक चीज़ का जब मेरा वहाँ पर दाखिला हुआ तो कई हज़ारों लड़के वहाँ पे आए, कोई मद्रास से कोई ये 400-600 पता नहीं, फिर उनमें से चार लड़कों को सिलेक्ट किया जाता है, और एब्सोल्युटली ऑन द मेरिट, कोई इसमें ये नहीं कि भाई ये कुछ नहीं है, मेरिट हो तो आप अंदर अदरवाइज बाहर। तो जब हम लोग गए थे तो उसके पहले कि मैंने कभी स्टेज के ऊपर काम नहीं किया था, स्टेज पे जाके मैंने एक बार हेलो बोलने की कोशिश की तो गिर गया था। तो मैं जिंदगी में एक ही ख्वाहिश थी कि कभी जाके मैं माइक पे जाके हेलो बोलूं, तो देर वॉज नो चांस। उसके बाद सीधा मैंने एक प्ले उन्होंने दिया था फिल्म इंस्टीट्यूट में प्ले करने के लिए, कैसे किया क्या किया पता नहीं, पता रट के मैंने बोल दिया प्ले। तो जब वहाँ पे जब इंटरव्यू में बड़े बड़े महारथी लोग थे, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स ऋषिकेश मुखर्जी, उन्होंने कहा कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन फिल्म इंडस्ट्री, कहता आई डोंट नो बट आई नो वन थिंग, आई दिस इज माय पैशन, आई होप आई कैन मेक माय लिविंग, अगर मैं अपने इसी को अपना करियर बना दूं तो आई विल रियली बी वेरी हैप्पी। तो उन्होंने कहा कि भाई कि अंदर इसमें वो बात है इसके अंदर। तो हमारे इंस्टीट्यूट के जो गुरु थे रोशन तरीजा, उन्होंने कहा हम उसी को लेते हैं, हमको एक्टर्स नहीं चाहिए जो मंझे हुए, हैंडसम, बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही डैशिंग इंसान है, लंबे चौड़े इंसान है, बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकार है, ऐसा उनका खुद का मानना है। पर माँ कसम अली साहब, जब से आपकी फिल्में देखी अब हम भी मानने लगे। महमूद साहब के लिए क्या कहूँ, महमूद साहब इंडस्ट्री के नंबर वन डिस्ट्रीब्यूटर, थैंक्स विक्रम जी आपने इंट्रोड्यूस कराया इनको इंडस्ट्री से। विक्रम जी, महमूद साहब के लिए कहना चाहूंगा, महमूद मेरे तू है तो सिनेमा अपनी रिलीज है, इसलिए तू ही सबका अजीज है महमूद मेरे। इसलिए चढ़े पे चढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरी फिल्म रिलीज होने वाली है, फिल्म बिग बॉस, एक कॉमेडी फिल्म बनी, तीन फिल्म बना चुका हूँ, दो फिल्म में खून की आंसू रोज चुका हूँ, इस बार देखें महमूद साहब हंसाते हैं, रोहित नाम तो महमूद साहब हंसाएंगे, देखते हैं बाकी। तो बिग बॉस फिल्म कंप्लीट तैयार है, और विक्रम साहब के लिए मैं वही कहूँगा फिर से एक बार कि इनका नाम ही विक्रम, राजा विक्रम है, कॉमेडी रोमांस के विक्रम है, और ये हमारे जो सुपरस्टार है आजकल, इस टाइप का क्रेज चल रहा है, इस टाइप की दाढ़ी, इस टाइप के बाल, यो हनी सिंह टाइप का मामला चल रहा है, जो आज के यूथ को बहुत पसंद आ रहा है, सोशल मीडिया को भी बहुत पसंद आ रहा है। तो सोशल मीडिया पर मेरे ख्याल से अब हनी सिंह के बाद और बादशाह के बाद अगर कोई राज करेगा तो हमारा ये शाश्वत राज करेगा। देखिए हनी सिंह खत्म हो सकता है, हनी खत्म हो सकती है तो दूसरी मंगानी पड़ेगी, बादशाह भी जा सकता है, लेकिन शाश्वत उसका मतलब ही होता है अनलिमिटेड, मतलब शाश्वत, कभी खत्म नहीं होगा। तो शाश्वत हमेशा राज करेगा, है और हमेशा रहेगा। तो शाश्वत आपको इस बात की शाश्वती देते हैं हम सब लोग कि आपका गाना हिट होगा, सुपर हिट होगा, और सोशल मीडिया पर आप प्लीज इनको मीडिया वालों से मैं आज वो निवेदन करता हूँ कि इनके गाने को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए ताकि ये हमारा सुपरस्टार और बड़ा स्टार बन जाए, मेगा स्टार बन जाए। अमिताभ बच्चन साहब के लिए भी गाएं, शाहरुख खान साहब के लिए भी गाएं, और छा जाए,
और सोशल मीडिया पर अब मैंने भी एक यूट्यूब चैनल बना लिया है सुनील पाल की चौपाल, लगे हाथ इनको जब सब्सक्राइब करते रहोगे तो उसे भी सब्सक्राइब कर देना सुनील पाल की चौपाल, क्योंकि उसमें मैं विक्रम जी कॉमेडी के छोटे छोटे चैनल डाल रहा हूँ और ऐसी कॉमेडी जो परिवार के साथ देखी जा सके सुनी जा सके, क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल परिवार के साथ देखने वाला मामला रहा नहीं है। तो मैं इस बात की शाश्वती देता हूँ कि आप सुनील पाल की चौपाल अगर सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें प्योर कॉमेडी सुनने और देखने मिलेगी। और अब बस जाने से पहले यही कहूँगा कि कुछ दिनों पहले हमने प्रधानमंत्री हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री को खोया अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि वो कहीं नहीं गए, शारीरिक रूप से हमसे दूर थे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वसीम भाई का और नजमा जी का, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे माहौल में इतने अच्छे इवेंट में बुलाया है कि दिल खुश हो गया। अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा लेट आया तो ये गाना पूरा नहीं देख पाया, लेकिन जितना भी देखा समझ में आ गया कि क्या चीज़ है। क्योंकि क्या होता है कि एक चावल देख के हमको मालूम हो जाता है कि चावल पूरे पके हैं या नहीं। तो बहुत बहुत मुबारकबाद शास्त्रार्थ को मेरी तरफ से, और सिन्हा साहब आपको बहुत अच्छा लगता है जब औलाद कुछ करती है आपसे बढ़ के, और हर बाप का ये होता है कि भैया मेरी औलाद मुझसे कहीं ज़्यादा है, और बहुत अच्छी बात होती है कि आप औलाद के नाम से जाने जाते हैं। ये एक बहुत अच्छा रिश्ता होता है कि वहाँ पे जेलस नहीं होती है कि मेरा बेटा है मेरे, मैं अपने बेटे के नाम से जाना जा रहा हूँ कि भाई ये उस उनका बेटा है, यू नो। तो बहुत बहुत मुबारक हो। और मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब इनका इनकी बॉडी लैंग्वेज जितनी मैंने एक या डेढ़ मिनट मैंने देखा है, लास्ट में आया था इसलिए आप ही थे वो पक्का। बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह आपको कामयाबी दे और ऊँचे से ऊँचा, और जाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे क्योंकि आप में वो बात है बचपन से और ये गॉड गिफ्टेड अल्लाह का दिया हुआ है, तो ये ज़ाया नहीं होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक। और मुझे इस बात की खुशी हुई, मैं बिल्कुल विक्रम जी के बाजू में बैठा था और मैं गाना चल रहा था, जब मैं आया तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था सर मैं और उसके बाद आपको यहाँ बुला लिया गया। और इनके बारे में, विक्रम जी के बारे में, तो हमारे सुनील पाल जो स्टार हैं तो जहाँ जाते हैं रंग जमा जाते हैं, हाँ। इन्होंने इतना सब बोल दिया, मैं इनसे जेलस हो गया, तुमने इतना क्यों बोल दिया, मैं बोलना चाहता था मैं वो, मतलब दीवानगी थी वो जूली सभी के लिए था, सभी लोग यही कहना चाहते थे। हाँ सर, और इन्होंने मतलब, और मैं ये सोच रहा था कि अब ये सुनील रुक जाएंगे थोड़ा कम तो मैं थोड़ा बोलूंगा, इतना बहुत बहुत मुबारक जी विक्रम जी, हम तो मतलब ऐसे फैन थे। और जूली तो पता नहीं मैंने कितनी बार मेट्रो में देखी थी, सर ये मेट्रो में लगी थी 75 सर उसी वक्त आया, तो बस वही देखते थे, तो फिल्मों में काम करने के लिए आए थे लेकिन आपको देखते रहते थे। तो सुनील का मैं इसलिए फैन हूँ जबरदस्त, कि मैंने एक बात देखी, इतना अच्छा कलाकार, इतना अच्छा फन मेकर, इतना अच्छा कॉमेडियन, और इसमें किसी कोई इस तरह का कोई प्राउडनेस नहीं है। मैंने हमेशा देखा, मैं जहाँ जहाँ गया हूँ सुनील पाल को एक बहुत ही साधारण इंसान की तरह, ऐसा लगता ही नहीं कि ये यार इतना बड़ा कलाकार होगा, कहीं भी खड़ा हो जाता है किसी भी तरह की टोपी कहाँ से पहनी ऐसे इस तरह का आकर कहीं भी ऐसा खड़ा हो जाना। और ये मैंने देखा है कि आप तो इतने सारे यहाँ पर लोग हैं, अगर ये चंद लोग होते हैं ना जिनको ये जानता भी नहीं, ये पूरी ईमानदारी
सो शाश्वत बेस्ट विशेस, तुमने बहुत अच्छा गाया है. एंड मैंने पूरा वीडियो तो नहीं देखा, लेकिन जो तुमने खुद से गाया पब्लिक के सामने लाइव होकर गाना बहुत बड़ी चीज होती है, और इतने सारे सीनियर लोगों के सामने गाना सच में बहुत बड़ी बात है. सो बेस्ट विशेस, ऐसे गाते रहो और बहुत अच्छा करो. इसका भी तुम रिव्यू दो. बेस्ट टू शाश्वत एंड एमपी पुरे. अरे कौन है? खूब सारे वीडियो लॉन्च करें, गाना बनाएं और पूरी दुनिया में अच्छा संगीत पेश करें. ताकि मैं तो ये बच्चा हूँ, लेकिन उनके गाने आज भी मुझे बेहद पसंद है. तो जाहिर सी बात है उस जमाने में उनका क्या कमाल रहा होगा. वेल फाइनली मैं चाहूंगा कि म्यूजिक लॉन्च, जिसके लिए हम सभी लोग यहाँ पर टाइम निकाल कर आए, फाइनली वो वक्त आ जाए. ताकि लोग कैमरा मोहन भाई या लोग कैमरा या बड़ा परिवार सुखी परिवार, मोड़ अपे वन मोर सेफ्टी. बैठ लोग कैमरा सर. अरे डालने यस आई एम रेडी. यस बैठ सर, गौर करीब में. यस सर, वेरी गुड. ये दिल मांगे मोर सर. बसी भाई आप नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ. बसी भाई यार नीचे बैठ जाओ. यार लोग कैमरा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. बहुत ही अच्छा वातावरण है. और ये जो इवेंट है, ये जो आज एल्बम रिलीज़ हुआ है, जो हम लोग अभी थिएटर से बाहर आए हैं गाना देख करके, शाश्वत का, जिसने कि गाना लिखा है, कंपोज किया है, खुद गाया भी है, और इतना हैंडसम है, वो बहुत प्यारा लगता है. बहुत कम ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है कि चारों चीज़ें एक साथ आपके साथ में, ऐसा लगता है कि पूरा संगीत भरा हुआ है उसमें, और बहुत ही अच्छा पिक्चराइज किया हुआ है. तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब जो बच्चे हैं जो इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो हमको उम्मीद नहीं होती है. लेकिन इस बच्चे ने जो करके दिखाया है, इतना बड़ा टैलेंट जो आपने देखा हुआ, मेरा ख्याल है सभी लोगों ने देखा होगा, बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा. और संगीत तो आप जानते हैं कि संगीत तो एक ऐसी चीज़ है कि हर किसी के लिए, अगर ये संगीत ना हो तो ऐसा लगेगा कि बहुत वीराना हो गया है. तो संगीत जो आपकी ज़िंदगी को एक लय देता है, एक 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 वे देता है, वे ऑफ लाइफ, उसमें ही सब कुछ है. तो वहीं पर इतना अच्छा संगीत आपको सुनने को मिलता है, और कंपोज किया हुआ, गाया हुआ, तो बहुत अच्छा लगता है. तो गॉड ब्लेस हिम, उसको बहुत मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, और इंशाल्लाह वो बहुत आगे जाएगा बच्चा, क्योंकि बहुत अच्छा है और बहुत ही सिंसियर लगा मुझे. बहुत ही ईमानदारी के साथ उसने अपना काम किया है. बाकी हमारे दिलीप साहब हैं, इतने बड़े संगीतकार हैं, और ये खुद भी संगीतकार के अलावा ये खुद गाते भी हैं. मैंने इनको सुना है गाया हुआ. आपने कौन सी कव्वाली गाई थी मेरी एक फिल्म में, ये जो हमने नागपुर में आपने जो, और उनके फादर जो हैं सिन्हा साहब, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कि एक इतना अच्छा टैलेंटेड बच्चा उनके घर में पैदा हुआ, और वो उसने इतना अच्छा मतलब गाना गाया है, कंपोज किया है. मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद. और मेरी मीडिया से यही अपील है कि भाई ऐसे जो टैलेंट आते हैं उनको जितना ज़्यादा आप एक्सपोज करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचाएँ, तो ये आपका एक मीडियम है, और ये इसमें आप उसको आगे बढ़ने में आप बहुत सहायता कर सकते हैं उसकी. मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे हीरो हैं, कम हीरो कम सिंगर विद म्यूजिक डायरेक्टर, मेरे 30 साल के करियर में मैंने मतलब पहली मर्तबा इतना होनहार बच्चा देखा. बच्चा ही कहूँगा क्योंकि अभी बहुत छोटी उम्र में उन्होंने वो सारे काम किए जो अपने ज़माने में किशोरदा ने किए थे, कि सिंगर भी थे, राइटर भी थे, और म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, एक्टर भी थे, और एक्टर भी थे. तो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत अच्छी शुरुआत की इन्होंने, और इस एल्बम को कामयाब करने में जो सबसे बड़ा हाथ रहेगा, जो आज तक जिस कंपनी का मैंने नाम लेने जा रहा हूँ विनस, उनके साथ हमारा काफ़ी पारिवारिक संबंध है, मुन्ना जी आए हुए वहाँ से, तो इस म्यूज़िक को हिट होने का सबसे प्लस पॉइंट यही है कि ये विनस से रिलीज़ हो रही है. नहीं तो किसी भी नए लड़के की इतनी जल्दी से कोई कंपनी रिलीज नहीं करती है. तो विनस कंपनी ने अगर इसको सपोर्ट किया है तो ये इनका एल्बम बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट होगा. मैं इसमें जो खास बात देख रहा था कि मुखड़ा तो कंपोज हो जाता है, मगर जो अंतरा उन्होंने गाया अंतरे के बाद जब वापस मुखड़े पे आए क्रॉस लाइन के बाद, तो वो कुछ हटके था. वाकई में मैंने कहा कि नहीं, इस लड़के ने बहुत मेहनत की है. लगता नहीं, कहाँ भाई जरा बुलाओ तो सही, कहाँ है सिंगर कम हीरो,
सर इधर आइए। अरे मुन्ना भाई आप मुन्ना जी बैठे ना। और बैठिए बैठिए। हाँ चलिए अभी चलो खींचते रहो। मैं जो भी ऑडियंस खड़ी है हम लोगों की बातें सुन रही है, मैं चाहूँगा कि इनका गाना आप लोग भी सुने, इन्हें दुआएं दें और आशीर्वाद दें, बस मेरी यही शुभकामना है। आपसे सवाल है, वीनस डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, द कंपनी इज देयर फॉर सो लॉन्ग, यू हैव बीन राइट। व्हाट विल बी योर स्ट्रेटजी फॉर दिस पर्टिकुलर एल्बम? फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी गुड एल्बम। चंपक जी ने गाना सुना, वसीम जी ने सुनाया है नहीं, वेरी गुड कंपोजिशन, गुड लिरिक्स, गुड सिंगर। और जब ये तीनों चीज़ एक ही कलाकार में होती है तो श्योर सर डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा। तो जब हमारी कंपनी ने इसका ऑडियो ट्रैक सुना, डेफिनेटली वी सेड वी गो फॉर इट। चंपक जी ने सेड ओके, ग्रीन सिग्नल दिया एंड वी आर हियर टुडे। ये डेफिनेटली वी आर कमिंग अप विद एनी न्यू एल्बम। यस यस वी आर गोइंग टू कम आउट। व्हाट डू यू थिंक दैट एज अ पोटेंशियल एक्टर दिस इज अ सिंगर हैप्पी? सी इट डिपेंड ऑन दैट टैलेंट कि वो कहाँ तक पहुँचते हैं। अब वो वी कैन नोबडी कैन प्रिडिक्ट म्यूजिक क्या होगा। Okay, do you find it that interesting, that capable of, when I talk about vocal, see vocal ability, when you talk about somebody's vocal, it's a different story, hearing a music is absolutely a different way. What do you think is special about this singer? About this singer? देखिए इसने तो मतलब डेफिनेटली कंपोजिशन पे ज़्यादा ध्यान दिया है, लिरिक्स तो है ही, लेकिन गायकी इसकी सुर ऊपर नीचे उतार चढ़ाव डेफिनेटली वेरी गुड, बहुत अच्छा है। चलिए थैंक यू। एक एक्सपीरियंस में मेरा नाम शामिल है, पाल जो, तो मैं समझता हूँ कि युवाओं की पीढ़ी है आजकल, यो हनी सिंह और बादशाह और रफ्तार जैसे लोग रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए एक और हमारा शहजादा आ गया है जिसका नाम है शाश्वत। शाश्वत मतलब मैं अभी भी कह रहा हूँ जो कभी नहीं ख़त्म होता उसे कहते हैं शाश्वत। शाश्वत और इस बात की हम शाश्वत ही देते हैं कि ये बच्चा जो है ये अपने एल्बम के जरिए पल जो के जरिए आ रहा है, लेकिन पल बढ़ते बढ़ते ये समय और आगे बढ़ेगा और हर पल हर जगह छा जाएगा, पल पल में इसे याद किया जाएगा। बिल्कुल थैंक यू। मुबारकबाद देना चाहूँगा चूँकि बहुत कम एज में 18 यानी 18 साल की उम्र में इस बच्चे ने म्यूज़िक भी दिया, गाया भी, एक्टिंग भी किया, तो इज़ वेरी टैलेंटेड और माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया। हमने अभी दिया देखा वीडियो उनका, बहुत अच्छा लगा, बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और ऐसे नए लोगों को आना चाहिए और अच्छी फिल्में बननी चाहिए और एक म्यूजिकल फिल्म है, म्यूजिकल लॉन्चिंग है बच्चे की, तो मैं बहुत अच्छी अपने तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करूँ। यस बहुत अच्छा। नए टैलेंट जो है बहुत ज़्यादा जगह दी गई है, चांस दिया गया, तो उसको लेकर कितने खुश हैं आप और कितना प्राउड? देखिए स्ट्रगल तो इनको भी करनी पड़ेगी, पहली फिल्म से ऐसा नहीं होता, हमने सब ने 15-15 साल 10-10 साल स्ट्रगल किया है बिहार से मुंबई में आकर के और बहुत स्ट्रगल किया, तो ये बच्चे को भी स्ट्रगल करना है, पॉलिश होना, काम जितना करेंगे उतने पॉलिश होंगे। अब जैसे विक्रम साहब है, इनके फिल्म जूली देख के हम लोग दीवाने थे, जूली का वो गाना भूल गया, अरे कमाल, अरे याद नहीं अब कुछ हो, बस यही बात ना भूली जूली। 1975 में तीन चीज़ें रिलीज हुई थी, शोले, जूली और सुनील पाल। तो देखिए स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि बच्चे की लॉन्चिंग अच्छी है, शुरुआत अच्छी है, तो हम सब लोग इन्हें दुआएं देने आए। बेशक हाँ जी विक्रम सर। हाँ जी, ये जी मैंने कहा कि ये इनका गाना देखा, मैंने गाना देखने के बाद में बहुत सी चीज़ें याद आई, जैसे कि एक कलाकार सिंगर जो बगैर कोई ट्रेनिंग लिए हुए और बगैर कोई किसी का, वो किसी का शागिर्द नहीं था और ख़ुद ब खुद उसने गाने लिखा, मतलब लिरिक राइटर का काम भी उसने किया और कंपोजिशन भी किया, म्यूज़िक भी उन्होंने खुद ही बनाया अपना कंपोज करके और ख़ुद ही गाया। ये देख के मुझे एक चीज़ का वाक्य याद आता है और वो है किशोर कुमार। वाह, किशोर कुमार का भी ऐसा ही था कि वो कभी किसी गुरु से उन्होंने तालीम नहीं हासिल की और बस उनके अंदर से वो आवाज़ निकली कि यार मैं गा सकता हूँ। तो ये जो लड़का है बस मुझे उसकी याद आती, क्योंकि कुछ हमने बहुत से किस्से कहानियाँ किशोर दा के बारे में हमने सुना था,
वो यही था कि भाई जैसे अभी रफ़ी साहब आए थे, रफ़ी साहब भी किसी के शागिर्द थे अमृतसर में, बाद में अमृतसर से लाहौर गए, वह किसी के शागिर्द थे, बहुत बड़े उस्ताद थे जो क्लासिकल के थे और शागिर्द। तो जैसे हेमंत कुमार जितने भी सिंगर्स हैं उनके कोई कोई गुरु हैं, लेकिन ये बच्चा जो है बगैर कोई सीखे हुए, बस इनबॉर्न टैलेंट जिसको कहते हैं, बट इसका एक ही है, अगर ये इनबॉर्न टैलेंट है तो मैं उनके पिताजी से ये कह रहा था कि अगर इसको अच्छा एक गुरु मिल जाए बेशक तो इसकी जो एक बेसिकली जो अंदर से जो पैशन है और उसको एक अच्छा फाउंडेशन मिलेगा, और उसके लकीली उसकी उम्र भी बहुत कम है, 18 है, तो टाइम है अभी, तो इस टाइम के दौरान अगर समझो एक साल दो साल में अगर वो अपना फाउंडेशन अपना पाया अगर मजबूत कर ले तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा सिंगर बन सकता है। बट एक कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, एक समझ की ज़रूरत है। जैसे अभी जैन साहब हैं जो म्यूज़िक की ये बादशाह हैं, म्यूज़िक समझते हैं, उनको समझ में आता है कि भाई ये लड़का क्या है, इसका फ्यूचर है, कहाँ जाएगा ये लड़का, बेशक किस अंजाम तक जा सकता है, एक अंदाज़ा इनको हो जाता है। क्योंकि एक्टर का भी ऐसे होता है कि अल्टीमेटली यू हैव टू बी इनसाइड, वो हीरा आपको होना चाहिए। अब जैसे हम लोग इंस्टीट्यूट में थे, हम लोगों को क्या किया था, भाई अंदर अगर है तो निकाला जा सकता है, अगर समथिंग इज देयर इनसाइड देन समथिंग विल कम आउट, इफ समथिंग नथिंग इज देयर इनसाइड व्हाट विल कम आउट, नथिंग विल कम आउट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट अंदर वो होना चाहिए। पर जैसे ये इनके हाथ में अगर आ जाए, जैसे उन्होंने अभी भी एक ऐलान किया कि भाई जब भी मैं फिल्म बने बेशक मैं आपको एज अ सिंगर ले लूँगा, है ना, मगर कुछ सीखने के बाद बंगर से। तो इन्होंने ये बात इनके अंदर से ऐसे क्यों आई, तो उन्होंने कुछ तो देखा होगा उसमें, हाँ भाई ये है वॉइस क्वालिटी अलग है उनकी, जो वॉइस क्वालिटी अभी कोई भी आंदा होगा, चलो ठीक है ये म्यूज़िक उन्होंने लॉन्च किया अपने फैमिली के सपोर्ट से किया, बट ठीक है लॉन्च किया, बट अल्टीमेटली इफ़ यू वॉन्ट्स टू बिकम बिग, यू वॉन्ट्स टू बिकम अ गुड सिंगर, ही हैज़ टू लर्न। एंड इंडस्ट्री में एक चीज़ ज़रूर है, चाहे वो किसी का भी बड़े स्टार का बेटा हो, किसी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर का बेटा हो, किसी बड़े प्रोड्यूसर का बेटा हो, वही चलेगा, हु इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बेशक इफ ही इज अ गुड ही विल सर्वाइव, अदरवाइज एक आध दो फिल्मों में वो चला जाए। ये चाहूँगा मेरे तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, नहीं बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये हमें तीन दिन से यहाँ दुख रहा है। क्यों दुख रहा है कि जब हम लोग जैसे ये बिहार से आए तो मैं कहीं और से कर्नाटक का बॉर्डर महाराष्ट्र के बॉर्डर हुबली धारवाड़ से मैं आया, वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, हम कैसे इंस्पायर हुए, हम इंस्पायर हुए थे राज कपूर को देख के, उसके फिल्में देख के, हम कैसे इंस्पायर हुए महबूब खान को देख के, हम कैसे इंस्पायर हुए के आसिफ, ये जो स्टूडियोज़ थे महबूब स्टूडियो, आर के स्टूडियो, फिल्मिस्तान, शांताराम जी, ये जो थे हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा धरोहर थी, वो उनको देख के हमारा ऐसा हम लोग अपने घर बार छोड़ के, माँ बाप छोटी सी उम्र में हम लोगों ने अपने घर छोड़ के निकले, ये हमें नहीं पता कि हमारा आगे जाके क्या भविष्य होने वाला, क्या हम सक्सेस मिलेगा या हम लोग क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं पता था, बस ये एक दीवानगी थी, इनको देख के हम लोग आए। आज ये जो पाँच दिन पहले ऐलान हुआ कि आर के फिल्म बंद हो रहा है या उसको लॉक कर, हमें पता, मुझे क्या फीलिंग हुई, ऐसा लगा एक बहुत बड़ा देहांत हो गया, ऐसा लगा कोई मंदिर या मस्जिद या दरगाह का ऐसा लगा कि टूट गई, खात्मा हो गया, वो फीलिंग आई, इतना दुख हुआ मुझे, लेकिन मैंने कहा कि इसका सलूशन किसी न किसी तरह से निकाला जा सकता था। देखिए जैसा कि हमने पढ़ा है 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1948 में आर के स्टूडियो बना, 48 में आर के स्टूडियो बना, और मेरी यादें तो बहुत जुड़ी हुई है, मैंने कई होलियाँ आर के स्टूडियो में खेली है, और मुझे कपूर फैमिली के रणधीर कपूर जी, ऋषि कपूर जी जब मैं फेंकते थे, बड़ा दुबला पतला सा बिहार से नया नया आया था, तो उस ज़माने में जब मेरा नाम जोकर फिल्म बनी थी उस ज़माने में भी आर के स्टूडियो कर्ज में डूब गया, लेकिन मॉर्गेज रखने के बाद बॉबी फिल्म आई और बॉबी की जो कमाई हुई वो आर के स्टूडियो आ जाए वापस बना, तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि आर के स्टूडियो का जो कर्ज है वो कर्जा चुकता हो जाएगा, क्योंकि कपूर फैमिली में बहुत टैलेंटेड एक्टर लोग हैं और हम सब की यादें, जैसा कि विक्रम जी ने कहा, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, लोग जब मुंबई शहर में आते थे तो पहले आर के स्टूडियो घूमने जाते थे, तो आर के स्टूडियो को हम लोग प्राउड करते हैं और बहुत फख्र से कहते हैं कि मुंबई शहर में आर के स्टूडियो आज भी जब से मैं बम्बई आया हूँ
जब से, लेकिन जब भी वहाँ से मैं गुजरता हूँ तो मेरा एक, जैसे हम लोग दरगाह को देख के हम ऐसा करते हैं या मंदिर को देख के ऐसा करते हैं, मैं आरके को देख के ऐसा करता हूँ, जैसे लगता है मैं जैसा कदम पोसी, ऐसा हमारा फील था। आज मैं वहाँ से गुजरूँ तो मुझे क्या फीलिंग होगी आप सोचिए, क्योंकि यही था हमारे लिए, वो दरगाह थी हमारे लिए, वो मंदिर था, वो टूट गया, तो ऐसा फीलिंग आती है। 2015 में जब हमारी गर्मियों की छुट्टी चल रही थी तो मैंने सोचा कि कुछ गाने बनाए जाए, तो उसी दरमियान 10 दिन के अंदर में हमने ये गाना तैयार किया एंड उसकी प्रैक्टिस करके इसको रिकॉर्ड करवाया मैं मुंबई में। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा मेरे एक्सपेक्टेशन से ऊपर है ये, एंड आई बिलीव कि सबको ये गाना बहुत बढ़िया लगेगा एंड सबका आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद एंड सबका साथ मुझे चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ, खुश इसलिए हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आकर के समा को 4 चांद लगा दिया, इतने सारे लोग मीडिया के आकर के जो मनोबल आपने बढ़ाया है उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको काफ़ी पब्लिसिटी देंगे ताकि मेरे बच्चे का भविष्य सुनहरा हो जाए। धन्यवाद। या इट्स अ गुड स्टार्ट, एमएलए काफ़ी बड़ी बात है कि वीनस जैसी कंपनी ने इसे लॉन्च किया और इतने सारे बड़े लोग, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स आए, एंड इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। जब मेरे पास इसका ऑडियो आया था तो बहुत चैलेंज था, बिकॉज नेक्स्ट डे फ्लाइट था और एक ही दिन का टाइम मेरे पास था वीडियो बनाने के लिए, तो हमने रात को 12 बजे से बैठ के पूरे स्टोरी बोर्ड बनाया, नेक्स्ट डे फोर रात भर सोया नहीं, नेक्स्ट डे सुबह में हम लोग अर्ली गए और वीडियो पूरे दिन शूट किए, और हमारे पास सिर्फ 8 घंटे 9 घंटे में हमने वीडियो शूट करके बनाया पूरा स्टोरी करके, तो वो डर भी था ये पता नहीं प्रॉपर बनेगा कि नहीं बनेगा, कितना अच्छा, तो वो भी था, एक अच्छा स्टोरी भी क्रिएट होने चाहिए और थोड़ा सा जो म्यूजिकली है वो भी मतलब फील आना चाहिए। ओके शास्त्र, आप किसे आइडल मानते हैं? जब मैं सिंगिंग की बात करता हूँ, मैं इस प्रोफेशन की बात करता हूँ, डू यू सी दैट एज आइडल ऑफ योर्स? देयर सो मेनी सिंगर्स इन द इंडस्ट्री, देयर सो मेनी म्यूजिशियंस इन द इंडस्ट्री। मेरे आइडल कोई एक स्पेसिफिक सिंगर नहीं है, क्योंकि मैं सबके गाने सुनता हूँ एंड सभी से मैंने कुछ कुछ सीखा है, तो किसी एक का नाम लेना मैं यहाँ सही नहीं समझूंगा, तो मैं सबको क्रेडिट्स देना चाहता हूँ। एज अभी मैंने अपने 12 बोर्ड्स दिए हैं, तो अभी तक तो मेरी स्कूलिंग चल रही थी जिसके बीच में ये रियलिटी शो में जाना एंड टाइम निकाल पाना काफ़ी मुश्किल था, सो इसलिए मैंने उधर नहीं गया। आप क्या कहना चाहेंगे? और एक अच्छी शुरुआत है। जी हाँ, ये एक अच्छी शुरुआत है, और शाश्वत के बारे में मैं और बता दूँ कि ये अपकमिंग हमारे जो फिल्म है राम राज, इस फिल्म में भी इनका एक रोल है, और ये फिल्म दिसंबर में रिलीज़ होगी, हिंदी बॉलीवुड फिल्म राम राज। शाश्वत को लॉन्च करने के लिए ये प्लेटफॉर्म जो यहाँ पे मिला ये इस काफ़ी मतलब बढ़िया मिला, जिसको जिसकी उम्मीद नहीं थी हमें, और उम्मीद से ज़्यादा हमें यहाँ पे आप लोगों का कवरेज मिला, आप लोगों का प्यार मिला, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दिसंबर में हमारी अपकमिंग फिल्म जो है उसके लिए भी, उसमें भी शाश्वत प्रतीक रहेंगे और उसमें गाने भी हैं प्लस इनके रोल भी हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इनका करियर अच्छा बनेगा। जैसे बता रहे हैं राम राज्य फिल्म का भी अनाउंसमेंट हो रहा है, सी डेब्यू या इट्स अ डेब्यू सिंगर फिर सॉरी You started this album, now you're with a film where you will be getting debut. Yeah. That name itself says सो बेसिकली बहुत पहले से ये था फिल्म बनाने का पापा का, स्टोरी पापा ने ही लिखी है, तो मेरा कैरेक्टर जो इसमें मेन लीड का कैरेक्टर है जो 18 इयर्स के एज को दिखाता है, सो आई हैव सम मोंटाजेस इन दिस मूवी एंड इट्स माय डेब्यू फिल्म, सो आई एम वर्किंग हार्ड ऑन इट। मम्मी
अभी तो राम राज्य की जो है अभी झारखंड में है और हम लोग झारखंड से आपके शहर मुंबई आए तो हमारी तरफ से हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि उनको इनक्रेज करें। मैं भी यहाँ पे उनको इनक्रेज करने आया हूँ, तो मेरी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। फलसफा की प्रमोशन में हमारे पीआर नजमा जी और वसीम भाई का बहुत बड़ा हाथ है और हमने जो शुरुआत की थी उसको अभी और ऊंचे लेवल तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। फलसफा हमारी फिल्म 500 मोर देन 500 थिएटर रिलीज़ हो रही है और 14 सितंबर को सभी सिनेमाघरों में। तो मेरी दर्शकों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ फिल्म देखें और बहुत अच्छी फिल्म बनी है, मुझे लगता है कि पसंद आएगी। उनको आशीर्वाद दिए, उनके जीवन में मंगल हो और ये एल्बम पूरे सफलता के शिखर पे पहुँचे, आगे ऐसे ही अपने जीवन में प्रगति के पथ पे आगे बढ़ते। राधे राधे, मैं राधा रानी से ही कामना करता हूँ। मेरे छोटे भाई और मेरे शाश्वत, उनकी म्यूजिक जो है बहुत ही बढ़िया हो, बहुत सक्सेस हो, तो पूरे बॉलीवुड में छा जाए। राधे राधे, धन्यवाद।